Hi, good to see all of you and welcome back to my channel Spire Lane Tutorial. So this is Priyanka और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3. चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें चेक करना है कि क्या ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. इट मीन्स कि अगर इस पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 0. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स कि ये इसका फैक्टर. एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको समझाने के लिए. सपोज करते हैं कि हमने 12 को 6 से डिवाइड किया है. जब हम 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा मिलेगा हमें 2 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0. इट मीन्स कि 6 जो है वो 12 का क्या है फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर मिल रहा है हमें 0. एक और डिजिट लेते हैं 15/6. अभी जब हम 6 से 15 का डिवाइड लगाएंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स. लेकिन यहां पर रिमाइंडर हमें मिल जाएगा और क्या मिलेगा 3 मिलेगा. तो हम कह सकते हैं कि 6 जो है वो हमारा 15 का फैक्टर नहीं है. फैक्टर होने के लिए कंडीशन मस्ट है कि रिमाइंडर होना चाहिए हमारा 0. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम अपने इस पॉलिनोमियल का रूट फाइंड कर लेते हैं और उस रूट को रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इसमें पुट करके चेक करते हैं कि क्या रिमाइंडर 0 मिल रहा है. अगर मिल रहा है देन इट इज द फैक्ट. सो लेट अस फाइंड आउट द रूट फर्स्ट ऑफ दिस वैल्यू. सो रूट ऑफ 7 + 3x इसको इक्वेट करेंगे 0 से और x की वैल्यू हमें मिलेगी 3x = -7 एंड x = -7/3. पॉलिनोमियल हमें गिवन है 3x³ + 7x. सो नाउ विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम लिख दीजिए बाय द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम P(-7/3). इस पॉलिनोमियल में जहां जहां वेरिएबल है हम वैल्यू पुट करेंगे -7/3 और हमें आंसर मिलना चाहिए 0. तो देखते हैं. सो -7/3³ + 7 - 7/3. सो 3 माइनस रहेगा क्योंकि क्यूब है और 7 का क्यूब होता है 343/3. दिस इज 7 × 7 = 49 माइनस का अपॉन 3. और देखने से लग रहा है कि ये वैल्यू जो है दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये 0 के बराबर नहीं है. इट मीन्स अवर आंसर इज नो. सो हम लिख सकते हैं 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x. सो दिस इज अवर आंसर एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन मैसेज मी. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.